Hello everyone, I am Professor N.B. Tate, welcome to you in the 27th lecture of Electrical Measurements in Depth. So my dear students, we have discussed about the phase sequence indicator in the last lecture, right? So there are two types of the phase sequence indicator. First one is the rotating type phase sequence indicator and second one is the static type phase sequence indicator. Right? So these two types of phase sequence indicators we have discussed in the last lecture, right? So now in today's lecture we will solve some examples on the various methods of power measurement. So I have already told you that there are three methods to measure the power in a three phase circuit. First one is the 3 watt meter method, second one is the 2 watt meter method, and third one is the single watt meter method or a 1 watt meter method. ठीक है, जैसे हमने तीन already methods देखे हैं जिससे हम थ्री फेज सर्किट की पावर मेजर कर सकते हैं. ठीक है, उसमें तीन मेथड देखे हमने. एक होता है 3 वाट मीटर मेथड, दूसरा होता है आपका 2 वाट मीटर मेथड, और थर्ड होता है आपका सिंगल वाट मीटर मेथड और 1 वाट मीटर मेथड. ठीक है, तो इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे. राइट, सो फर्स्ट एग्जांपल ये है, देखो यहाँ पे थ्री फेज 500 वोल्ट मोटर लोड हैज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.4. 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर इनपुट. दे शो इनपुट पावर इज 30 किलोवाट. फाइंड आउट द रीडिंग्स ऑफ ईच वाट. अभी इसमें गिवन क्या क्या दिया है देखो, और थ्री फेज सिस्टम है अपनी, मोटर का लोड दिया है. ठीक है, 500 वोल्ट वो लोड लेती है मोटर, तो ये अपना लाइन वोल्टेज हो गया VL की वैल्यू 500 वोल्ट. वहां पावर फैक्टर दिया है अपने को, पावर फैक्टर इज 0.4, यानी cos pi वैल्यू हो गया अपनी 0.4. 2 वाट मीटर्स आर कनेक्टेड टू मेजर इनपुट. अभी 2 वाट मीटर हमने कनेक्ट किए हैं वहां का इनपुट मेजर करने के लिए, तो दे शो इनपुट पावर इन 30 किलोवाट. तो 2 वाट मीटर कनेक्ट किए हैं मेजर पावर, इनपुट पावर मेजर करने के लिए, तो उसकी वजह से W1 प्लस W2 ये दोनों मिलके वाट मीटर कितनी पावर मेजर करेंगे, 30 किलोवाट. तो व्हेन वी विल कन्वर्ट दैट किलोवाट इनटू वाट, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. तो 30,000 वाट इज द टोटल पावर मेजर्ड बाय दिस 2 वाट मीटर्स. राइट, सो हियर एज इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे. अभी फाइंड आउट दी रीडिंग्स ऑफ ईच वाट मीटर, दोनों वाट मीटर की रीडिंग्स हमें वहां पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, समझ लो, अतिशय सोपे एग्जाम्पल है. त्यासाठी हे दोन तीनच फॉर्मुले तुम्हाला पाठ करायचे तिथं. ठीक आहे, त्यामध्ये हा पहिला फॉर्मुला पाठ करा, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू √3 VL IL cos pi. ठीक है, पावर का फॉर्मूला जो अपना थ्री फेज सर्किट में की जो पावर है उसका ये सिंपल फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी देखा है, √3 इंटू VI cos pi बोलते हैं हम उसको. तो √3 इंटू यहाँ पे लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट लेना है, VL IL cos pi. तो ये W1 प्लस W2 की वैल्यू. अभी W1 प्लस W2 की वैल्यू कितनी दी है अपने को एग्जाम्पल में, 30,000 वैट वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ पे. सो 30,000 इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन वोल्टेज कितना दिया है 500 वोल्ट, तो यहाँ पे आपका 500 वोल्ट रहेगा, इनटू लाइन करंट हमें निकालना है अभी, तो IL एज इट इज रख दिया हमने, एंड cos phi की वैल्यू कितनी दी है अपने को, पावर फैक्टर 0.4. ठीक है, तो इससे अपन लाइन करंट निकाल सकते हैं. तो ये सारे वैल्यू इधर जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 500 इंटू 0.4, तो लाइन करंट आ जाएगा आपका 86.602 एम्पीयर. क्लियर है, तो इससे W1 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, W1 का फॉर्मूला है अपना VL IL cos ऑफ 30 डिग्री प्लस पाई. W1 का ये फॉर्मूला है VL IL cos ऑफ 30 डिग्री प्लस पाई, और W2 का इसके एग्जैक्ट अपोजिट है फॉर्मूला, VL IL cos ऑफ 30 माइनस पाई. यहाँ पे सिर्फ प्लस लेना है, यहाँ पे माइनस लेना है, इतना ही ध्यान में रखो. और ये तीन फॉर्मूले W1 प्लस W2 देन W1 एंड W2, ऐसे तीन फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान में रखो. सारे एग्जांपल्स में अपने को यही तीन फॉर्मूले
यूज करना है, ठीक है। तो अभी डब्ल्यू वन का फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी एल आई एल कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस फाइव, ठीक है। हाँ डब्ल्यू वन चा फॉर्मुला लिहिला आपण, त्यावरून आपल्याला कॉस फाय ची व्हॅल्यू माहिती आहे 0.4 दिलेली एक्झाम्पल मध्ये, आणि मग त्याच्यावरून फाय किती येईल आपला, कॉस इनवर्स घ्यायचा, कॉस इनवर्स ऑफ 0.4 म्हणजे फाय ची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 66.42 डिग्री। आणि मग डब्ल्यू वन च्या व्हॅल्यू मध्ये, डब्ल्यू वन च्या फॉर्म्युलेमध्ये या व्हॅल्यू सगळ्या पुट करायच्या। व्ही एल ची व्हॅल्यू किती आपली 500 इंटू आय एल किती आपला आला 86.602 एम्पियर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री एज इट इज प्लस फाय ची व्हॅल्यू किती आली आपली 66.42 डिग्री। और इसको आप कैलकुलेट करोगे कैलसी में तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी डब्ल्यू वन इज इक्वल टू -4842 वैट, ठीक है। तो ये आ गया डब्ल्यू वन की वैल्यू। अभी ये एक वैट मीटर की रीडिंग हमें यहाँ पे मिल गई। अभी डब्ल्यू टू की रीडिंग निकालनी है, सो डब्ल्यू टू का फॉर्मूला लिखा है हमने एल आई एल कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस फाइव। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो फिर से, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डी एल की वैल्यू कितनी है 500 इंटू आई एल की वैल्यू 86.602 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी है 66.42। तो इसको कैलकुलेट करोगे कैलसी पे आप तो की वैल्यू मिलेगी आपको डब्ल्यू टू इज इक्वल टू 34842 वाट, ठीक है। सॉरी अभी यहाँ पे एक वैट मीटर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है और एक वैट मीटर अपना पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो हमने पॉइंट देखा था टू वैट मीटर मेथड में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन टू वैट मीटर मेथड, ठीक है। तो उसमें हमने चार केसेस देखे थे, उसमें मैंने बोला था आपको तब कि कब वैट मीटर आपका रीडिंग निगेटिव शो करता है और कब वो पॉजिटिव शो करता है, कब एक वैट मीटर जीरो रीडिंग शो करता है, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन चार देखे थे हमने, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे एक वैट मीटर निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है, दूसरा वैट मीटर आपका पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है, क्लियर। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है चार मार्क के लिए, आपके मेन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, टू वैट मीटर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट फॉर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेज पावर। यहाँ पे भी दो वैट मीटर्स कनेक्ट किए सर्किट में वहां की थ्री फेज पावर मेजर करने के लिए। तो वन वैट मीटर रीड्स 2500 वैट एंड अदर रीड्स 1500 वैट, जिसमें से एक वैट मीटर आपका 2500 वैट मीटर वैट अपनी रीड कर रहा है और दूसरा वैट मीटर आपका 1500 वैट वहां की वैल्यू रीड कर रहा है। फाइंड पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट, अभी हमें यहाँ पे पावर फैक्टर सर्किट का निकालना है। वेन यहाँ पे दो कंडीशन ये है, बोथ रीडिंग आर पॉजिटिव, ठीक है, बोथ रीडिंग आपके आपको पॉजिटिव लेना है तब वहाँ को पावर फैक्टर निकालना है। एंड सेकंड कंडीशन भी है, वेन द रीडिंग्स ऑफ 1500 वैट इज ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द करंट कॉइल ऑफ द वैट मीटर। यहाँ पे जो रीडिंग है आपकी 1500 वैट की, वो क्या करनी है अपने को, उस वैट मीटर के करंट कॉइल के कनेक्शंस को क्या करना होगा आपको, रिवर्स सॉरी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कंडीशन दिया है एग्जांपल में। तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे फर्स्ट वैट मीटर की रीडिंग कितनी दी है 2500 वैट, दूसरे वैट मीटर की रीडिंग कितनी दी है 1500 वैट, ठीक है। आता त्यामध्ये पहिली कंडिशन घ्यायची आपल्याला बोथ रीडिंग आर पॉझिटिव्ह, दोन्ही रीडिंग आपल्याला पॉझिटिव्ह घ्यायच्या, ठीक आहे। म्हणून त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, पॉवर फॅक्टर इज इक्वल टू कॉस फाय अँड दॅट इज इक्वल टू कॉस ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ, हा एक फॉर्म्युला आता लक्षात ठेवा, रूट टॅन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन मायनस डब्ल्यू टू डिवायडेड बाय डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू, ठीक आहे। टू वॅट मीटर मधला हा फॉर्म्युला आहे, ठीक है। तो टू वैट मीटर मेथड मतलब हा फॉर्मूला है, ठीक है। तो पावर फैक्टर कॉस फाइ इज इक्वल टू कॉस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, हा एक फॉर्मूला लक्षा ठेवा। आणि मागचे दोन तीन फॉर्मुले आहे, चारच फॉर्मुल्यावरती सगळे एक्झाम्पल डिपेंड आहे, ठीक है। सो इथं व्हॅल्यू पुट करा, मग
कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री। डब्ल्यू वन की वैल्यू की थी अपनी 2500 वैट, डब्ल्यू टू की वैल्यू की थी 1500 वैट, दो घाई से एडिशन करा है डिनोमीटर ला त्याच्यावर कॉस ऑफ हे जर सॉल्व केलं तुम्ही कॅल्सीवरती तर एक याची पूर्ण वैल्यू मिळते तुम्हाला 23.412। ठीक आहे, मग त्या कॉस ऑफ 23.412 ची वैल्यू किती मिळते आपल्याला 0.917। क्लिअर आहे, ही झाली, हा झाला पॉवर फॅक्टर जेव्हा दोन दोन्ही वॅट मीटरच्या रिडिंग आपण कशा घेतले पॉझिटिव्ह। ठीक आहे, सेकंड कंडिशन मध्ये काय सांगितलं त्यांनी की वेन द रिडिंग ऑफ 1500 वॅट इज ऑब्टेन, आपल्याला रिडिंग घ्यायची आहे 1500 वॅट 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 वॅटेज असणाऱ्या वॅट मीटरची। ठीक आहे, पण त्यावेळेस काय करायचं आहे आपल्याला त्या करंट कॉइल काय करायची आपल्याला रिव्हर्स करायची। ठीक आहे, करंट कॉइलचे कनेक्शन आपल्याला रिव्हर्स करायचं, मग पॉवर फॅक्टरचा तोच फॉर्म्युला पण कॉस फाय इज इक्वल टू कॉस ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन मायनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। वॅल्यू पुट करू यहाँ पे, तो कॉस ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन ची वॅल्यू किती आहे 2500 मायनस, आता वॅट मीटर डब्ल्यू टू हे आपण जर करंट कॉइल चे कनेक्शन रिव्हर्स केले तर ही व्हॅल्यू आपल्याला निगेटिव्ह यायची डब्ल्यू टू ची, म्हणून इथं मायनस इन ब्रॅकेट मायनस 1500 घेतलं आणि डिवायडेड बाय मध्ये 2500 मायनस हे प्लस मायनस व्हॅल्यू काय होईल आपली प्लस मायनस मायनस व्हॅल्यू होईल, सो 1500। याला जर सॉल्व केलं पूर्ण व्हॅल्यूला तर ती येईल तुमची कॉस्ट ऑफ 81.786 आणि मग तिथला पॉवर फॅक्टर मिळेल आपल्याला 0.14। ठीक आहे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला आहे की पॉवर फॅक्टर की व्हॅल्यू ऑलवेज व्हॅरीज बिटवीन 0 टू 1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये दोनों जो व्हॅल्यू ऑप्टेन हुए है अपने को वो 0 एंड 1 के बीच में ही है। ठीक है, समझ में आया, अगर ये 1 से ग्रेटर आ रहे हैं ये वैल्यू तो आपका एग्जाम्पल कहीं तो भी गलत हो गया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है, तो ये है आपका सेकंड एग्जाम्पल। अभी थर्ड एग्जाम्पल है, इफ रीडिंग्स ऑन 2 वाट मीटर्स आर 5 किलो वैट एंड 0.5 किलो वैट, द लेटर रीडिंग बीइंग ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सल ऑफ द करंट कॉइल, कैलकुलेट द पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड। यहाँ पे भी 2 वाट मीटर्स है, ठीक है, और दोनों वैट मीटर के रीडिंग दिए हैं, एक फर्स्ट वैट मीटर की रीडिंग है 5 किलो वैट और दूसरे की है 0.5 किलो वैट, लेटर रीडिंग बीइंग ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सल ऑफ द करंट कॉइल। लेटर रीडिंग यानी ये सेकंड वैट मीटर की रीडिंग हमें मिली है, लेकिन कब मिली है वो जब हमने करंट कॉइल को क्या किया है रिवर्स किया है, करंट कॉइल के कनेक्शन को रिवर्स किया है। नाउ कैलकुलेट द पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द लोड, अभी वहां पे फिर से हमें पावर एंड पावर फैक्टर निकालना है लोड का। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखेंगे अपन यहाँ पे, तो करंट कॉइल ऑफ सेकंड वैट मीटर गेट रिवर्स, करंट कॉइल जो है आपकी सेकंड वैट मीटर की उसको रिवर्स किया हमने, तो वहां की वैल्यू जो दी है वैट मीटर रीडिंग की उसको माइनस लेना और ये तो आपकी पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। सो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू 5 किलो वैट एंड डब्ल्यू टू इज इक्वल टू -0.5 किलो वैट। माइनस क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि करंट कॉइल के टर्मिनल्स को क्या किया अपन ने रिवर्स किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस नहीं लिया। तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, सो 5 किलो वैट प्लस ऑफ -0.5 किलो वैट, कितना मिलेगा अपने को 5 -0.5 यानी 4.5 किलो वैट मिलेगी, मिल गई वैल्यू अपने को टोटल पावर की। तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है अपना, बेसिक फॉर्मूला कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। वैल्यू पुट करो इसमें कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री इन ब्रैकेट डब्ल्यू वन की वैल्यू कितनी है 5 एंड डब्ल्यू टू की वैल्यू कितनी है -0.5, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो 5 + 0.5 यानी 5.5, और नीचे माइनस लेना है तो 5 - 0.5 यानी 4.5 किलो वैट आ गए। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो पावर फैक्टर कितना मिल जाएगा आपको 0.4, समझ में आया। तो ये हो गया फर्स्ट केस, ऐसे दूसरे केस में केस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो एग्जांपल को। ठीक है, अभी सेकंड केस में देखो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसे भी एक मेथड से करना है, यहाँ पे तीन केसेस दिए हैं। ठीक है,
ये फर्स्ट केस देखा हमने। अभी सेकंड केस में क्या करते हैं देखो अपन, करंट कॉइल ऑफ द फर्स्ट वाट मीटर गेट रिवर्स, जो करंट कॉइल है आपके फर्स्ट वाट मीटर तो उसको रिवर्स किया अभी हमने, तो डब्ल्यू वन की वैल्यू यहाँ पे आपको माइनस लेना है और डब्ल्यू टू की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, तो माइनस फाइव प्लस फाइव 0.5 कितना आ जाएगा, माइनस जीरो माइनस 4.5 किलोवाट टोटल पावर मिल गई। तो पावर फैक्टर लोड तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सेम है, कॉस ऑफ एन इनवर्स ऑफ रूट थ्री इन ब्रैकेट डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, वैल्यू पुट करो। सो कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री, ये कितनी वैल्यू आ गई आपकी, अभी ये माइनस है वैल्यू, सो माइनस 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 रहेगा रिजल्ट, और ये फाइव और ये माइनस 0.5, सो माइनस 5.5 किलोवाट, और नीचे कितना रहेगा माइनस 4.5 किलोवाट, पावर फैक्टर कितना मिल गया 0.42। क्लियर है, ये सेकंड केस हो गई जब हमने क्या किया, फर्स्ट वाट मीटर के करंट कॉइल्स के टर्मिनल्स को रिवर्स किया। यहाँ पे अपन ने क्या किया था, सेकंड वाट मीटर के करंट कॉइल्स के टर्मिनल्स को रिवर्स किया था, तो यहाँ का पावर फैक्टर 0.2 आ गया था। ठीक है, ये भी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही है, ठीक है, और ये भी वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 0 एंड 1 के बीच में ही आ गई। ये हो गया अपना सेकंड कंडीशन, सेकंड केस हो गया। अभी थर्ड केस में क्या करेंगे, दोनों वाट मीटर्स के रीडिंग को हम रिवर्स करेंगे, यानी करंट कॉइल के टर्मिनल्स को रिवर्स करेंगे। तो दोनों रीडिंग कैसे लेनी है अपने को, माइनस, तो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू माइनस 5 किलोवाट एंड डब्ल्यू टू इज इक्वल टू माइनस 0.5 किलोवाट, तो टोटल पावर कितना मिलेगा, माइनस 5 माइनस 0.5, तो माइनस 5.5 किलोवाट, वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, पावर फैक्टर इज ऑफ द लोड का फॉर्मूला सेम, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री इन ब्रैकेट डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, वैल्यू पुट किया तो ऊपर क्या मिलेगा अपने को, माइनस 4.5 किलोवाट। ठीक है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे ये वैल्यू माइनस है डब्ल्यू वन की, तो माइनस 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 रहेगा रिजल्ट, माइनस 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 रहेगा रिजल्ट, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये डब्ल्यू टू की भी वैल्यू कैसे आपकी निगेटिव, सो यहाँ पे माइनस रहेगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस ऑफ 5 प्लस 0.5, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना, माइनस 4.5, और नीचे आपका रिजल्ट आएगा माइनस 5.5 किलोवाट, ये ठीक है। तो पावर फैक्टर कितना मिल गया आप अपने को यहाँ पे, 0.5 से। तो ऐसे तीन तरीके से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है आपका, तीन तरीके से आप इस एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, समझ लो ये एग्जांपल, ये सुद्धा एग्जांपल जेवढे काही एग्जांपल्स मी घेतोय ते सगळे तुमच्या मेन एग्जाम मध्ये विचारले गेलेले एग्जांपल्स आहेत, ठीक है, त्यामुळे हे इम्पॉर्टंट आहेत एग्जाम्पल्स, याच टाईप मध्ये सगळे एक्झाम्पल्स तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये येऊ शकतात, ठीक आहे, व्हॅल्यू चेंज करून, त्यामुळे एक्झाम्पल्स साठी जे काही फॉर्म्युले लागतात, दोन चार फॉर्म्युलेत आहेत, ते फॉर्म्युले पाठ ठेव, ठीक। अभी फोर्थ एक्झाम्पल देखेंगे, तो पॉवर सप्लाय टू थ्री फेज लोड वॉज मेजर्ड बाय टू वॅट मीटर मेथड, तो पॉवर सप्लाय कर रहे हैं आपण थ्री फेज लोड को, ठीक है, उसको मेजर करेंगे हम दो वॅट मीटर मेथड से, द रीडिंग्स वेयर, वहां के रीडिंग्स कितने मिलेगा अपने को, फर्स्ट वाट मीटर की रीडिंग मिलेगी 4 किलोवाट एंड सेकंड वाट मीटर की रीडिंग मिलेगी माइनस 2.55 किलोवाट। नाउ द सप्लाई वोल्टेज बीइंग 400 वोल्ट, सप्लाई वोल्टेज दिया है वहां का 400 वोल्ट, डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना है, लोड पावर फैक्टर एंड सेकंड टोटल पावर सप्लाई, ठीक है, टोटल पावर सप्लाई। तो सिंपल है एग्जाम्पल, W1 की रीडिंग दी है, W2 की रीडिंग दी है, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, टोटल पावर सप्लाई कैसे निकालेंगे, दोनों की एडिशन, तो W1 प्लस W2, तो 4 प्लस यहाँ पे ये माइनस रीडिंग दी है माइनस 2.55 किलोवाट, तो कितना आएगा रिजल्ट, 4 माइनस 2.55 यानी 1.45 किलोवाट, ये सेकंड रीडिंग आ गई यहाँ पे, सेकंड वैल्यू अपने को। अभी निकालना क्या है, लोड पावर फैक्टर, सिंपल है फॉर्मूला, पावर फैक्टर ऑफ द लोड कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, वैल्यू पुट करो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है 4, अभी ये माइनस है और ये यहाँ पे माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस,
तो 4 प्लस 2.55 कितना आएगा रिजल्ट, 6.55 किलोवाट। और ये तो अभी कितनी है, दोनों की एडिशन 1.45 किलोवाट आ गई है, तो पावर फैक्टर कितना मिलेगा आपको, 0.1267। ये भी वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही है पावर फैक्टर, ठीक है, समझ में आया। तो ये है आपका फोर्थ एग्जाम्पल, ध्यान में रखो आपको पावर फैक्टर की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही मिलनी है हर एक एग्जाम्पल में। अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आती है आपकी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं को भी आपका एग्जाम्पल गलत आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ एग्जाम्पल दिया है, देखो 3 फेज और 3 फेज 500 वोल्ट इंडक्शन मोटर एज अ पावर फैक्टर ऑफ 0.4। यहाँ पे 3 फेज सिस्टम है, 500 वोल्ट इंडक्शन मोटर है एक, और उसका पावर फैक्टर दिया है 0.4। द इनपुट पावर इज 30 किलोवाट, इनपुट पावर दिया है वहां पर, वहां पे 30 किलोवाट। तो कैलकुलेट द रीडिंग्स ऑफ द वाट मीटर इन टू वाट मीटर मेथड यूज टू मेजर द इनपुट पावर। अभी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है हमें रीडिंग्स वाट मीटर के, दो वाट मीटर मेथड में जो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट पावर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल एग्जाम्पल है, क्या कह दिया है गिवन में, देखो लाइन वोल्टेज दिया है, VL की वैल्यू 500 वोल्ट है, इनपुट पावर दी है वहां की 30 किलोवाट, सो पी इन 30 रहेगा, पावर फैक्टर कितना दिया है 0.4, और इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कभी भी लैगिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। निकालना है अपने को W1 एंड W2 के वैल्यू। नाउ पी का फॉर्मूला, अपने को पावर का फॉर्मूला क्या है अपना, √3 VL IL cos φ। तो इससे IL की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, तो IL की वैल्यू पी इनपुट, इनपुट कितना दिया है 30, इनटू उसको वाट में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई किया, तो 30 × 10^3 डिवाइड बाय √3 × 500 × 0.4, कितना आ जाएगा ये रेट, इसको सॉल्व करोगे आप कैलसी पे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 86.6 एम्पीयर। तो ये आ गया आपका लाइन कर। अभी पावर फैक्टर कितना दिया है, कॉस फाइव की वैल्यू 0.4 दी है, तो फाइव उससे निकाल सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ 0.4, तो कितना आ जाएगा पावर फैक्टर, सॉरी फाइव की एंगल कितनी आ जाएगी, फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66.42 डिग्री, क्लियर है। इससे आप W1 एंड W2 के रीडिंग निकाल सकते हो, फिर W1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, VL IL cos of 30 degree minus phi। तो इसमें वैल्यू पुट करो, VL की वैल्यू कितनी है 500, IL की वैल्यू कितनी है 86.6, cos of 30 minus phi की वैल्यू कितनी आई है 66.42। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये W1 की वैल्यू मिलेगी आपको 34,842.93 वाट, और W2 का फॉर्मूला क्या है अपना, VL IL cos of 30 degree plus phi, ठीक है। वैल्यू पुट करो फिर से एक बार और वैल्यू, फाइनल वैल्यू निकालो इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -4,841.62 वाट, समझ लो। ऐसे सिंपल एग्जांपल्स तुम क्या मेन एग्जाम मध्ये विचार लगे ले हैं, ठीक है। अब कि अपन कहीं ये 5 एग्जांपल्स सॉल्व के लिए अच्छा लेक्चर मध्ये, ठीक है। हियर कंप्लीट यूर थर्ड टॉपिक, द नेम ऑफ द थर्ड टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये थर्ड चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर में आप, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो इसमें कुछ डाउट है आपको, डाउट है तो आप मुझे कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर फोर्थ टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन, थैंक यू वेरी मच।